यूपी के 49 जिलों से क्लोबाजेम दवा की होगी वापस। क्लोबाजेम सीएलओ 21-01 एक बैच की हुई क्लोज मानसिक व मेधी रोगियों की दी जाने वाली दवा है क्लोबाजेम। बरेली के मानसिक चिकित्सालय में हुई जांच में हुआ खुलासा। गोंडा में नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले गिरोह का खुलासा। खबर गोंडा से आ रही, जहां नशीली दवाओं का कारोबार करने वालों का खुलासा हुआ। गोंडा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खबर गोंडा से आ रही, जहां नशीली कारोबार करने वालों का खुलासा। पुलिस ने किया लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से नशीली गोलियों का हो रहा है कारोबार। विदेशों से हो रहा था ऑनलाइन करोड़ों का व्यापार। खबर गोंडा से है, जहां नशीली कारोबारियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। पुलिस ने महिंद्रा एजेंसी के पास से आरोपियों को किया गिरफ्तार। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नाबालिग छात्रा से मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। अयोध्या में नाबालिग छात्रा से मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मामले में छेड़खानी और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज। खबर अयोध्या से आ रही, जहां नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। एक नाबालिग समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। खबर अयोध्या से है, जहां नाबालिग के अयोध्या पुलिस ने ट्वीट कर दी मामले की जानकारी। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां नाबालिग से छेड़छाड़ व मारपीट पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाबालिग छात्रा से मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बांदा में नहीं थम रहा है अपराध। बांदा से खबर आ रही है, जहां पर थम नहीं रहा है अपराध। अपराधियों को नहीं है पुलिस का डर। खबर बांदा से है, जहां अपराधियों को पुलिस का डर नहीं है। अपराधियों ने अज्ञात कारणों के चलते युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक की हालत गंभीर। युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दबंगों ने एक युवक को गोली मारी, जहां उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गिरवा थाना क्षेत्र के खुरहंड स्टेशन के पास का है पूरा मामला। ये हमारा भाई लगता है। क्या नाम है इसका? छोटू। छोटू, उनके पिता का नाम? शिवली। उमर? उमर छोटू का। छोटू की उम्र होगी लगभग 30। क्या बात थी, किस बात को लेकर के ये गोली मारी है? क्या वजह? क्या मार दिया है? हाँ, कहाँ पर मारी है? ये पुराव मारी है, एक दुकान है। हाँ। रोड में उसी जगह मार। किसने मारी गोली? राजू परिहार का लड़का बहुआ ने। राजू परिहार का लड़का बहुआ ने? हाँ। तो क्या अकेले था वहाँ पर वो? हाँ, अकेले थे। किस चीज से गोली मारी है? हाँ? किस चीज से मारी है? देखा नहीं किस चीज से मारी। 315 से मारा। 315 की तमंचे से मारी है। कहाँ पर गोली लगी है? सीना में लगी। सीना में। क्या कोई विवाद था? क्या पुरानी कोई रंजित दुश्मनी थी? क्या कोई दुश्मनी नहीं थी पुरानी। अच्छा, ऐसा ही मार दिया उसने गोली? क्या कहाँ पुरवा में मारी है? हाँ, पुरवा। कौन सा पुरवा है वो? जुगल किशोर का पुरवा है। हाँ। अभी हालत कैसी है? हालत अभी खून बह रहा, दर्द बांधे। गोली पार हो गई या अंदरी घुसी हुई है? यही तो नहीं देखा, गोली पार हो गई कि नहीं पार हुई? पार नहीं हुई। लेकर कहाँ आए हुए हैं आप लोग? जिला अस्पताल। हालत गंभीर बनी हुई है अभी। रेलवे स्टेशन के पास से छोटू यादव से बली को लाया गया है। उसके पीठ पे गोली लगी हुई है। उसको यहाँ पे उपचार हो रहा है। इसके बाद कान पे मेडिकल कॉलेज के लिए। बुलंदशहर के रिहायशी इलाके में पहुंचा अजगर। खबर बुलंदशहर से आ रही, जहां रिहायशी इलाके में अजगर पहुंच गया। अजगर के पहुंचने से गांव में मचा हड़कंप। खबर बुलंदशहर से आ रही, जहां पर अजगर के पहुंचने से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। सूचना देने पर वन विभाग की टीम वहां पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने अजगर को काबू कर जंगल में छोड़ा। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के गांव चीती का है पूरा मामला। खबर बुलंदशहर से है, जहां गांव में बदायूं में पुलिस पर अपराधियों ने की फायरिंग। खबर बदायूं से आ रही, जहां पुलिस पर अपराधियों ने की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में 2 अपराधी घायल। खबर बदायूं से आ रही है, जहां आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। 2 अपराधी मौके से हुए फरार। जंगल में गोवध कर रहे थे अपराधी। खबर बदायूं से है, जहां
अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की। अपराधियों के पास से अवैध तमंचे हुए बरामद। पुलिस ने गोवध करने वाले शस्त्र भी किए बरामद। कादर चौक वेदपाल सिंह को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कादर चौक थाना क्षेत्र में कादरबाड़ी जंगल में पशुओं का गोवध किया जा रहा है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष कादर चौक ने अपनी पुलिस टीम के साथ दबिश दी तथा वहां पर गोवध करने वाले लोगों की घेराबंदी का प्रयास किया, तो जिसके फलस्वरूप उन अपराधी गणों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिससे एक आरक्षी आशाराम के दाहिनी भुजा में गोली लगने से घायल हो गया तथा पुलिस पार्टी ने अपने आत्मरक्षार्थ की गई सूक्ष्म मुआ नियंत्रित फायरिंग से दो अभियुक्त अनिक व फजले हुसैन अपने पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। बदायूं से खबर है जहां पर अवैध शराब का वीडियो वायरल हो रहा है। घर में धड़ल्ले से बिक रही है शराब, पुलिस बेखबर। खबर बदायूं से है जहां अवैध शराब का बिक्री का वीडियो वायरल हो रहा है। जान कभी अनजान पुलिस नहीं करती है कोई भी कार्रवाई। लगातार अवैध रूप से बेची जा रही है शराब। दादागंज क्षेत्र के थाना हजरत का है पूरा मामला, जहाँ पर अवैध शराब की बिक्री का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रयागराज में अंतर जनपदीय ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा। खबर प्रयागराज से है जहां अंतर जनपदीय ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने चोरी की बाइकों समेत चार अभियुक्त को किया गिरफ्तार। खबर प्रयागराज से है जहां अंतरराज्यीय गैंग के सरगना के खिलाफ 8 आपराधिक मामले दर्ज। गैंग के 3 अभियुक्त मौके से फरार। रेलवे स्टेशन के पास से बाइक चोरी करते थे अभियुक्त। खबर प्रयागराज से है जहां ऑटो अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई कर भेजा जाएगा जेल। प्रयागराज में अंतर जनपदीय ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी की बाइक समेत 4 अभियुक्त किए गिरफ्तार। थाना अतरसुईया के अंतर्गत एक बाइक चोरी की गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनमें गुड्डू निषाद इनका मेन लीडर है। बाकी इनके साथ 3 साथी हैं, सोनू निषाद, बॉबी निषाद और अजय। इन 4 को गिरफ्तार किया गया। इनके अलावा 3 इनके और साथी हैं जो अभी वांछित चल रहे हैं, और इनके पास से मौके से 2 बाइक्स बरामद हुई, और उसके अलावा इनकी निशानदेही पर 15 और बाइक्स मिली हैं जो कि चोरी की हैं, और इनका आपराधिक इतिहास खंगाला गया। तो इनके खिलाफ 7 मुकदमे हैं, सभी के खिलाफ। एक गुड्डू यादव है, गुड्डू निषाद है, उसके खिलाफ 8 मुकदमे हैं। गुड्डू यादव पहले भी जेल जा चुका है, बाकी लोग पहली बार पकड़े गए हैं, और इनके जो वांछित साथी हैं उनको लगातार ट्रेस किया जा रहा है, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।